नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में GST क्लासिफिकेशन के मास्टर्स का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फीचर्स है GST क्लासिफिकेशन का, ये अकाउंटेंट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूजफुल भी है, क्योंकि इस ऑप्शन से हम जो काम हमारा घंटों में हो सकता है उसको हम मिनटों में कर सकते हैं GST क्लासिफिकेशन की मदद से। तो दोस्तों, इस GST क्लासिफिकेशन का मास्टर का यूज किस प्रकार से, प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार यूज किया जाता है, ये बात आज आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी GST क्लासिफिकेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों, जैसे हम गेटवे ऑफ टैली पर रहते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, तो आपको लिस्ट ऑफ मास्टर में से स्टेशनरी मास्टर के अंदर ये GST क्लासिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी स्क्रीन पे ये GST क्लासिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट F11 यानी कि F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस करने के बाद में टैक्सेशन में GST के ऑप्शन को ये आपका यस रहना चाहिए, और इसको यस रहने के बाद में आपका ये एडिशनल फीचर्स के अंदर एक ऑप्शन और आएगा, इनेबल GST क्लासिफिकेशन, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो जैसे हम यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर के अंदर ये शो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, इससे हम वीडियो को और ज़्यादा प्रैक्टिकली बनाने के लिए हमने कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो स्टॉक आइटम को हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुल मिला के 3-9 स्टॉक आइटम हमने क्रिएट की है, 3 अलग अलग टैक्स रेट की और अलग अलग HSN कोड की। तो दोस्तों, अब आपके पास स्टॉक आइटम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के नाम तो अलग अलग है, लेकिन उनके HSN कोड और उनका जो GST टैक्स रेट है वो बिल्कुल सेम है। जैसा कि आप देख सकते हो, आइटम ABC आइटम, तीनों नाम अलग अलग है, HSN कोड सेम है, टैक्स रेट सेम है। इसी तरीके से हमने सेकंड एग्जांपल लिया है DEF का, HSN कोड सेम है, टैक्स रेट बिल्कुल सेम है। और इसी तरीके से ये हमारे पास लास्ट GHI, इसका HSN कोड सेम है और टैक्स रेट सेम है। तो हमें पर्टिकुलर अलग अलग स्टॉक आइटम पर जाके हमें HSN कोड या फिर उसका टैक्स रेट देने की ज़रूरत नहीं है, हम GST क्लासिफिकेशन की मदद से वन टाइम ही सभी पे एप्लीकेबल कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें GST क्लासिफिकेशन है जो क्रिएट हम कर लेते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्रिएट करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि हमारे पास ये स्टॉक आइटम है, और इस स्टॉक आइटम का 3 स्टॉक आइटम, आपके पास 4 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, HSN कोड सेम है, टैक्स रेट सेम है। तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे विद GST 5%, यानी कि टैक्स रेट तो है GST 5% का, और इसका HSN कोड है जो HSN कोड इसका 1 2 3 4 5 6, मैंने 4 एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। आपके स्टॉक आइटम का GST रेट कुछ और हो सकता है, HSN कोड कुछ और हो सकता है। अब ये आ जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन यानी कि इस ये प्रोडक्ट किस से रिलेटेड है, मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और यहाँ पर इसका HSN कोड हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आपकी कंपनी है केवल इंटरस्टेट ही ट्रांजेक्शन रखती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर सिंपल परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट कर दोगे, लेकिन आप बेटर यही रहेगा इसको आप नॉट एप्लीकेबल रहने दें। और उसके बाद में टैक्स डिटेल के अंदर हम इस प्रोडक्ट को रखेंगे टैक्सेबल पे, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नो रहेगा, इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट ये भी नो रहेगा, और यहाँ पर हम इसका टैक्स रेट दे देंगे 5%। तो यह हमारा CGST और SGST सेट टैक्स और सेंटर का टैक्स है जो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ के अंदर, एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकेंड आइटम है और उसके HSN कोड और टैक्स रेट हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर देते हैं, यानी कि GST 12% का प्रोडक्ट है और HSN कोड के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे 11 22 33, और ये मान लीजिए हमारा कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 11 22 33 यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और टैक्सेबल रखेंगे, और टैक्स रेट को हम करेंगे 12%। और इसी तरीके से थर्ड हम क्लासिफिकेशन क्रिएट करेंगे GST 18%, और HSN जो है इसका
ODD22557। और ये मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है हमारे, और इसको एचएसएन कोड नॉट एप्लीकेबल और टैक्सेबल रखेंगे, और उसके बाद में 18% यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हमारा तीन क्लासिफिकेशन हमने क्रिएट कर ली। अब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम आइटम है आइटम ए के नाम से, प्राइमरी हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम रखेंगे पीसीस में और जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे और इसको यस करेंगे। तो जैसे हम यस करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास शुरुआत में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर हर स्टॉक आइटम की अलग अलग डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी क्लासिफिकेशन है जो क्रिएट कर लिए, जीएसटी टैक्स 5% का और एचएसएन 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन सारी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वो सारी की सारी डिटेल इस स्टॉक आइटम के अंदर ऑटोमेटिक जो फिलअप हो जाएगी। इसी तरीके से स्टॉक आइटम बी पीसीस में रखेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे, क्लासिफिकेशन 5% वाला। आपको पर्टिकुलर सेपरेटली किसी के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके पास सेकेंड आइटम जिसे हम लिखते हैं आइटम डी का, आइटम डी हमने सेलेक्ट किया, पीसीस में हमने सेलेक्ट किया, यस किया। अब जो ये जो स्टॉक आइटम है ये इसका 12% टैक्स रेट वाली है, तो यहाँ पे हम जीएसटी 12% और एचएसएन ये सिलेक्ट करेंगे तो ये इस स्टॉक आइटम के अंदर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। तो अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यह मिलेगा, अब मान लीजिए किसी भी स्टॉक आइटम के अंदर, मान लीजिए ये हमारा स्टॉक आइटम है और इस स्टॉक आइटम का कोई किसी का एचएसएन कोड चेंज हो जाता है या कोई टैक्स रेट इसका चेंज हो जाता है, तो हमें अब मान लीजिए आपके पास 500 स्टॉक आइटम है और सभी स्टॉक आइटम के ऊपर आपने सेपरेटली एचएसएन कोड और ये टैक्स रेट दिया हुआ है, तो 500 के अंदर वापस जाके आपको सभी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब आपको 500 स्टॉक आइटम है और आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो आपको केवल एल्टर पे जाके जीएसटी क्लासिफिकेशन को ही अल्टर आपको करना है। तो अगर मान लीजिए ये जो टैक्स रेट है इसका टैक्स रेट या एचएसएन कोड कोई भी चेंज होता है, तो अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे तो हमारी जितनी भी स्टॉक आइटम इस क्लासिफिकेशन के अंडर में हमने ली हुई है सभी के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, चाहे वो स्टॉक आइटम आपकी एक है चाहे वो 1000 है, तो सभी के अंदर ऑटोमेटिकली जो हमें बारी बारी सभी आइटम को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि इस जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज़ आपको किस तरीके से करना होता है प्रैक्टिकल तरीके से ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेगी।